जाने क्यों ये एहसास अब तुम ही तो हो निकी के पापा आज भी दिखाई नहीं दे रहे। वो मैं आपको बताने ही वाली थी कि हमें पता है कि मिस्टर मेहरा पुलिस स्टेशन में। आप लोगों का कोई पर्सनल मैटर होगा, मगर इस वजह से हम अपने बच्चों के इतने बड़े दिन में कोई हिंड्रेंस नहीं खड़ा करेंगे। Are you not coming to the wedding because of Amira? बैठिए बैठिए। अरे बैठना, वहां खड़ी क्यों है? बानी याद है तुझे, जब तेरी शादी हो रही थी तो मैंने आना से शादी की थी मंदिर में। इस बार मेरी प्यारी निकी की शादी हो रही है तो मैंने सोचा इतिहास को एक बार फिर दोहराया जाए, तो मैंने एक बार फिर शादी कर ली मंदिर में। गुरी सही है ना? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बेचैन हैं यह जानने के लिए कि who the lucky one is। अभी बुलाता हूँ। स्वीटी, बेबी, देयर शी इज, द ब्रांड न्यू मिसेस मेहरा।
नंबर थ्री. आई नो आप लोग ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट मुहूर्त वाज जस्ट राइट एंड हमने मंदिर में शादी कर ली. यू नो रो एंड आई आर क्वाइट ओल्ड स्कूल. पागल हो गए हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम शादी कैसे कर सकते हो? अनन्या और तुम्हारा डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है. तुम शादीशुदा हो, यू आर लीगली मैरिड. शादीशुदा तो मैं तब भी था जब मैंने आना से शादी की थी, तुम्हें तो याद होगा. एनीवे आना और तुम मिलकर मुझ पर तरह तरह के केस ठोक रहे हो. डिवोर्स चाहिए उसे. सो इट्स ऑल डन, आई विल गिव द डिवोर्स. रोहित तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते. इस लड़की की वजह से कल रात से तुम जेल में थे. इस लड़की की वजह से तुमने अपनी बेटी की शादी मिस कर दी. तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है यार? ये तो कबर्ड में छुपी हुई थी, उसकी माँ ने बखेड़ा खड़ा कर दिया तो. और मुझे तो ये जेल से छुड़वा के लाइए, इतना तो बनता है यार. आना तुम कुछ बोल नहीं रहे हो. या क्या क्या था? मैन हू चीट्स यू, मैन हू ब्रेक्स यू हार्ट कैन डू एनीथिंग, तुम्हारे ही अल्फाज थे. मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तो इतनी शॉक्ड क्यों लग रही हो? आई कैन डू एनीथिंग. टाइम टू गो टू बेड. हिट द सैक, मेक सम नॉइज. एमा गोना बोरो योर बॉटल ऑफ बूज. ओके आई नीड टू लीव हैरी. बुक माई टिकट्स प्लीज. आई नीड टू लीव टुमारो. आई एम डन. अमायरा ने रोहित से शादी कर ली. शी इज हियर विद हिम. व्हाट द हेल इज हैपनिंग अंगद? मेरी यादों में बसे हो सिर्फ तुम. मेरी सांसों में रहोगे अब सिर्फ तुम. अब तुम ही तो हो जिंदगी. नहीं नहीं निकी, तुम यहाँ अभी पगफेरे के लिए नहीं आ सकती. नहीं बेटा, यहाँ पर चीजें बहुत बिगड़ गई हैं. मैं बात करूंगी ईशान के पेरेंट्स से. प्लीज ज्यादा टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ये फिर से क्या कर दिया रोहित ने? मैं सच कहूँ ना तो मेरी तो समझ से ना वो बाहर हो रहा है. एक मिनट में वो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करता है, बदल जाता है, ठीक हो जाता है और अगले पल है कहाँ? वो कमरे में है अपने. वो यही था पूरी रात. और वो लड़की? गॉड, ये तो हद ही कर दी है रोहित ने. अरे अनन्या के बारे में तो सोचा होता उसने कुछ? And I'm telling you, जो लड़की अपने ही घर में छुप के अपने किडनैप का केस करवा सकती है, वो लड़की मेंटली स्टेबल नहीं हो सकती. अनन्या कहाँ है? अरे उसके बारे में भी नहीं सोचा उसने. अपने कमरे में है. तुम जा रही हो? हाँ पूनम, मेरे पास और ड्रामा देखने का वक्त नहीं है. शाम की फ्लाइट है, I have to go. लेकिन उससे पहले मुझे हैरी के घर जाना है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने हैं. अनन्या मैं डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन करके भेज दूंगी. आई नो अनन्या कि मेरे पास अब कोई हक नहीं रह गया है तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन एक बात कहूंगी कि रोहित के किसी बेवकूफी की वजह से तुम जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना प्लीज. माँ मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रही हूँ. इनफैक्ट रोहित की हरकतों ने मेरा काम और आसान कर दिया. माँ आई थिंक बाहर गाड़ी आ गई होगी, मैं देखता. कबीर तुम जा रहे हो? I will miss you. Amira, कहाँ गई मेरी बेटी? Where is my daughter? Amira, where are you, Amira? Amira, Amira. Excuse me. इसके पति ने मेरी बेटी को किडनैप किया है. पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किसी के घर में ऐसे कैसे घुस सकती हैं? पुलिस को फोन लगा, ये तो सीनियर सिटीजन का हैरेसमेंट का केस बनता है सीधा से. फोन लगा. ये पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है. ये दिल्ली के क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स आए हैं. वो मुझे नहीं, वो आपको और आपके बेटे को अरेस्ट करने आए हैं. एक्सक्यूज मी,
रोहित की कोई गलती नहीं है. इनफैक्ट आपकी बेटी ने खुद रोहित को जेल से छुड़वाया है. ही किडनैप्ड हर. और अगर मेरी बेटी मिस्टर मेहरा के साथ है then we have a problem. वकील साहब नोट कीजिए, ये केस और स्ट्रांग होता जा रहा है कि एक किडनैपर एक विक्टिम की कमजोरी का फायदा लेके उसने अपने घर में उसे बंद रखा है. आप प्लीज अपनी ये बकवास मेरे घर पर बंद करेंगी? बात करने का वक्त खत्म हो गया है और मैंने सीएम को मैसेज भेजा है कि कैसे एक 54 साल के आदमी ने मेरी 24 साल की बेटी को किडनैप किया है. He married her. आप जो भी हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आपकी बेटी अबव 18 है. वो नाबालिग नहीं है, वो उसी का डिसीजन था. ये शायद एक ड्रामा है जो रोहित ने किया है. शायद उसने ये सब मेरी बेटी को सिखाया है. एनीवे मैं अमायरा से बात करना चाहती हूँ. अमायरा, गॉड मॉम, यहाँ पे भी आपकी आवाज सुबह सुबह सुननी पड़ रही है. आई वाज स्लीपिंग इज माय फर्स्ट नाइट. ओह हाय. लिसन टू मी, लिसन टू मी. आई थिंक दिस मिल्क इज गॉन बैड. हां, रोज अ व्हिस्की ड्रिंकर जस्ट लाइक यू मॉम. पटियाला पैक लाइक शट अप. वेयर आर यू गोइंग? यू वांट टू सी दिस? तुम्हें तो पता है ना हमारा अफेयर हो रहा था. प्लीज मेरी मॉम को बता दो हमारी शादी हो गई है. तुम्हारी शादी लीगल नहीं है. अभी तक रोहित ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए हैं. यू नो यू गर्ल्स नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग रोहित फॉर एवरीथिंग. एंड इवन यू मॉम, वो अपनी सारी शादियां खत्म होने से पहले अपनी सारी बीवियों को स्टैट्यूटरी वार्निंग देता है ना दादी? एंड व्हाट्स द बिग डील? साइन ही तो है ना. उठ जाएगा, आ जाएगा, साइन कर देगा, बूम डिवोर्स. अमायरा चलो मेरे साथ इसी वक्त. ये रोहित तुम्हारे लिए सही नहीं है. उसने अपनों के साथ क्या किया देखा तुमने? हैरी तुम कबीर को ऊपर लेकर जाओ प्लीज. अमायरा मैं तुम्हें इस आदमी के वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी. अनन्या समझाओ इसे, ये इस आदमी से शादी नहीं कर सकती है. लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी. किसी और से शादी कर लो, एनीबॉडी, इससे नहीं. व्हाई? बिकॉज़ ही इज ट्वाइस डिवोर्स्ड? नो, बिकॉज़ ही इज योर सिस्टर्स हस्बैंड. Which one? Shit. Amira, तो कब समझोगे कि ये आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है? इसकी फितरत में है कि अपनी उम्र से कम उम्र की लड़की से शादी करना एंड डिस्ट्रॉय हर लाइफ. ये सालों से कर रहा है. अनन्या को देखो, अनन्या के साथ वो ही हुआ. अनन्या से शादी कर ली, got her pregnant and moved on. और वो तुम्हारे साथ करेगा. He's a creep. Anna, मेरी बहन है. आप लोग अपनी केस फाइल्स में लिख रहे ना ये, प्लीज लिख दीजिए अना मेरी बहन है और रोहित ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया. हाँ प्लीज प्लीज. हेलो, मेरा फैमिली, एक्स मेरा फैमिली और मेरी माँ की एक्सटेंडेड फैमिली. आज मेरी माँ ने आप लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, अना के बारे में बहुत कुछ बताया और रोहित के बारे में बहुत कुछ बताया. लेकिन आज मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ. ओह बाय द वे, रोहित और मेरी शादी नहीं हुई है. वी आर नॉट मैरिड. पर मुझे पता था कि ये औरत जो अपने आप को मेरी माँ बोलती है वो ये सुन के यहाँ भाग के आएंगी. ये यही ड्रामा करेंगी और अपनी गंदी जुबान से ये सच बोल देंगी. यू सी, उनका कंसर्न ये नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ है, कैसी है. उनका ये कंसर्न है कि अगर किसी को भी पता चल जाए कि उनकी बेटी अपने खुद के जीजाजी से शादी कर रही है तो वो अपना गंदा सा प्लास्टिक सर्जरी वाला चेहरा सबको कैसे दिखाएंगे. मैं आप ही के कमरे में थी और आपको पता नहीं चला. जब मैं छोटी थी ना तो मैं आपकी कबर्ड में जाती थी और मैं वहाँ पे वेट करती थी और मुझे लगता था कि जब आप मुझे मिस करोगे आप मुझे ढूंढने आओगे और मैं आपको सरप्राइज करूंगी. पर आप कभी नहीं आए. आप कभी नहीं आए.
पता है आना ने सच कहा, शी इज लकी कि उसके पैदा होते ही आपने उसको छोड़ दिया था, वो आजाद पंछी की तरह उड़ गई, मैं एक लूजर की तरह आके सोशल स्टेटस के पिंजरे में ना मैं बंद गई। यू वर द लकी वन आना, ट्रस्ट मी तुम बच गई इस औरत से। She's a toxic fucking. Does anyone have any nariyal pani? There's so much acid in me, na. आपको पता है मैं क्यों कर रही हूँ मॉम? ताकि जो एना ने सालों साल महसूस किया है ना, वो आप महसूस करें। ये आपकी बेटी है, right? आपने उसको reject किया, right? She rejects you. I reject you. क्योंकि आप किसी की भी मां कहलाने लायक नहीं हो। और इस सब में रोहित ने मेरी मदद करी, यू नो व्हाई? बिकॉज ही लव्स हर, ही लव्स हर। यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग व्हेन यू लव समवन मोर देन यू लव योरसेल्फ।